गोरखपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद को आया हार्ट अटैक। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक्ट्रेस एवं समाजवादी पार्टी की गोरखपुर से लोकसभा 24 के लिए प्रत्याशी बनाई गई काजल निषाद को हार्ट अटैक आया है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही थी तथा बीते बृहस्पतिवार को गोरखपुर के गांव में अम्बेडकर नगर के तीर्थस्थल पर एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर काजल निषाद जो है अपने समर्थकों के साथ पहुंची। वहां पे स्पीच देते समय उनको थोड़ा चक्कर आया, जहां पे उनको महिला कार्यकर्ता द्वारा उन्हें कुर्सी पे बैठाया गया। फिर उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उन्हें आनन फानन में गोरखपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर वह 2 दिन तक भर्ती थी। उसके बाद उनकी तमाम जाँच की गई। जाँच के दौरान जो है उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने के कारण उनको लखनऊ के वेदांता हॉस्पिटल में जो है वो अब ट्रांसफ़र किया गया। वर्तमान में वो लखनऊ के वेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है। अब उनको ये बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आया है, लेकिन काजल निषाद के समर्थकों का ये दावा है कि काजल निषाद ने कहा है कि जो है हमें काजल निषाद जी ने आदेश दिया है कि प्रचार प्रसार लगातार गोरखपुर में चलता रहे, हम जल्द ही ठीक होके वापस आएंगे। ये कहना उनके समर्थकों का। आपको बता दें कि गोरखपुर सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ रहा है, वहां से रवि किशन सांसद हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर रवि किशन के ऊपर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने हिंदी फिल्म निर्माता संजय निषाद की पत्नी काजल निषाद को वहां से अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन फिलहाल काजल निषाद की तबीयत जो है वो बिगड़ गई है, वो लखनऊ के वेदांता हॉस्पिटल में जो है भर्ती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।